तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं चूज मी बेस्ट चैनल को, जहां पे मैं आपको कुछ ऐसे सजेशंस देता हूं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि आप आपके अगले खरीदारी में कुछ अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ ऐसे 5 कैमरास जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो 5 कैमरास है आपको 30,000 के अंदर मार्केट में मिल जाएगा और ऑनलाइन में भी आप उसे खरीद सकते हैं। और इस कैमरास में आपको अच्छे क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्ड करने को मिल जाएगा। तो चलिए आज इस 5 कैमरास के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैमरा आपके लिए स्पेसिफिकली परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम बात करने वाले हैं निकॉन का D3 500 मॉडल के बारे में, जो कि एक बहुत ही लुक के हिसाब से बहुत ही अच्छा कैमरा है, हैंडी होता है, आपके हाथ में पकड़ने में आसानी होता है। यहाँ पे आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा विथ सीमोस सेंसर के साथ मिलता है, जो कि अच्छा है, रिफाइंड इमेज आपको देता है, डिटेलिंग जो रहता है फोटो में अच्छा आता है। ISO का रेंज जो यहाँ पे रहेगा 100 से लेके 25,600 तक यहाँ पे रहेगा ISO का रेंज। यहाँ पे आपको वीडियो रिजोल्यूशन जो मिलता है 1920x1080 पिक्सल का वीडियो रिजोल्यूशन यहाँ पे मिलता है। इसका जो वेट है 365 ग्राम का यहाँ पे इसका वेट रहेगा। अच्छा खासा जो ऑटो फोकसिंग मिल जाता है और आपको जो मैन्युअली ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है आपका जो ऑब्जेक्ट को। पर यहाँ पे एक छोटा सा डिमेरिट है कि यहाँ पे जो कॉलर को थोड़ा आपको बूस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छा खासा जो डिफॉल्ट में अच्छा कॉलर नहीं था, अगर आपको कैमरा का सेटिंग अच्छे तरीके से करना आता है तो आप अच्छे तरीके से जो फोटो इसमें खींच सकते हैं। इसके प्रोज के बारे में थोड़ा बात करते हैं और यहाँ पे कॉन्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसका जो प्रोज है, यहाँ पे जो फ़ायदा है इस कैमरा में आपको वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, ऑप्टिकल बिल्ट इन व्यू फाइंडर मिलता है, फेस डिटेक्शन फोकसिंग मिलता है, जो मैक्सिमम ISO यहाँ पे 25,600 का ISO यहाँ पे मिलता है। तो इसके चलते आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा फोटो में। और जो अच्छा पॉइंट है इस कैमरा के बारे में, यहाँ पे 11 फोकस पॉइंट्स मिलता है। यहाँ पे इसका बैटरी के बारे में बात करते हैं, जो बैटरी मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है DSLR कैमरास में, आपको 1550 शॉट का लाइफ यहाँ पे मिलता है, मतलब एक बार आप चार्ज करने से 1550 फोटो इसमें आप खींच सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा इस कैमरा के बारे में थोड़ा बुराई करते हैं अभी। यहाँ पे आपको इमेज स्टेबिलाइजेशन ज़्यादा नहीं मिलता है वीडियो के लिए, ये जो स्टेबिलाइजेशन ज़्यादा ठीक से, मतलब अगर आपको कैमरा को स्टैंड पे होल्ड करके शूट करते हैं तो अच्छा, नहीं तो अगर हाथ पे पकड़ के करते हैं थोड़ा स्टेबिलाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। और यहाँ पे जो बड़ा डिमेरिट है, यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो ये बिगिनर के लिए अच्छा है, फोटोग्राफी के लिए स्पेसिफिकली अच्छा है, वीडियोग्राफी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप ब्लॉग्स बनाते हैं आपके हाथ पे पकड़ के जो कैमरा को शूट करते हैं तो ये कैमरा इतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं सिर्फ, तो ये कैमरा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट कैमरा की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं कैनन का EOS 1300D के बारे में, जो कि इस लिस्ट का एक रनर है, मतलब सेकेंड विनर है। वहाँ पे आपको डुअल लेंस किट मिल जाता है, बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है, नॉइज कैंसलेशन जो इसमें इनबिल्ट है बहुत ही अच्छा काम करता है नॉइज कैंसलेशन। ये कैमरा प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, यहाँ पे आपको 18 मेगापिक्सल का कैमरा सीमोस का APS-C सेंसर के साथ मिल जाता है, और ये जो फोटोग्राफी के लिए, स्टिल फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप फोटोग्राफी को प्रायोरिटी देते हैं कैमरा में तो इस कैमरा को डेफिनेटली खरीदिए, क्योंकि इस सेंसर का काम ही है जूम का फैसिलिटी, मतलब फोटो को अच्छे तरीके से जूम करना इस सेंसर का मेन काम है। तो यहाँ पे जो और एक बेस्ट बात है, मैक्सिमम ISO रेंज यहाँ पे 12,800 का आ जाता है, जो कि लो लाइट कंडीशन में बेस्ट फोटो निकाल के देगा आपको इस प्राइस रेंज के कैमरास के अंदर। ये फ़ोन वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उनको रात में खींचना होता है बहुत सारे ऐसे स्टील फोटोज, तो ये फोटो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एक फोटोग्राफी का मतलब चैनल खोलना चाहते हैं, फोटोग्राफी का एक पेज खोलना चाहते हैं, फोटो को वहाँ पे सेल करना चाहते हैं, ये कैमरा आपके लिए बहुत ही सही होगा। और इस कैमरा में मैक्सिमम इमेज रिजोल्यूशन जो आता है आपको 6000x4000 पिक्सल का रिजोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है, JPEG फॉर्मेट में मिल जाता है, रॉ फॉर्मेट्स में। इस कैमरा में आपको एक ऑटोमेटेड मोड मिल जाता है, जो कि आपको कॉन्ट्रास्ट को और जो कलर करेक्शन ऑटोमेटिकल करके आपको फोटो जो है फाइनल रिजल्ट देता है, जो कि बहुत ही सही काम करता है, एक्यूरेट काम करता है। आपको नेक्स्ट फर्दर कोई सा भी इतना एडिट नहीं करना पड़ता है। अगर आपको सोशल मीडिया में फोटो अपलोड करना है तो डायरेक्टली क्लिक करके इस कैमरा में आप अपलोड कर सकते हैं।
और बाकी कैमरा की तरह यहाँ पे आपको सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ का हो गया, वाईफाई, एनएफसी का, सारी कनेक्टिविटी फीचर इस कैमरा में आपको मिल जाता है। बैटरी लाइफ जो है यहाँ पे आपको 700 इमेज मतलब 700 फोटोज इसमें आप खींच सकते हैं एक चार्ज में। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है फोटोग्राफी के लिए। जैसे मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है। और सबसे एक एडवांस बात है, यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। जी हाँ, 30,000 के अंदर टाइप सी पोर्ट और इतने सारे अच्छे फीचर्स कौन सा भी कैमरा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोनी का साइबरशॉट DSEHX400V के बारे में। जी हाँ, ये जो कैमरा है मिड रेंज बजट में एक बहुत ही अच्छा कैमरा है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। जी हाँ, यहाँ पर जो सेंसर मिलता है आपको एक्समोस आर सीमोस का सेंसर मिलता है 21 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। इस कैमरा में 50x का ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। यहाँ पे जो लो लाइट एनहांसर टेक्नोलॉजी मिल जाता है जो कि रात में अच्छा खासा फोटो ये खींच सकता है। यहाँ पे आपको 4 घंटा का बैकअप मिल जाता है, 300 से 400 फोटो जिसमें आप खींच सकते हैं एक फुल चार्ज में। और वीडियो जो है 2 से 2.5 घंटे का वीडियो शूट कर सकते हैं। ये बैटरी के मामले बहुत ही अच्छा है। 50fps का जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, 1920x1080 पिक्सल का वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे करता है। यूट्यूब के लिए मतलब यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत ही अच्छा है कैमरा आपके लिए। मतलब इतने कम प्राइस में इतना अच्छा फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैनन का EOS 1500D के बारे में, जो कि विनर है इस लिस्ट का। जी हाँ, अगर आप एक बिगनर है, आप एक फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो ये कैमरा आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। जी हाँ, मैं खुद से ही नहीं बोल रहा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये कैमरा को यूज कर रहे हैं, उनका जो क्लैरिटी है, वीडियो का क्लैरिटी और फोटो का क्लैरिटी बहुत ही अच्छा होता है इस कैमरा में। तो मैं आपको यही कैमरा प्रिफर करूंगा ज़्यादा। अगर आपको ये कैमरा कहीं से मिल जाता है, मतलब ज़्यादा स्टॉक में नहीं रहता है कैमरा, अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा होता है। ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको वही 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सीमोस सेंसर के साथ। जी हाँ, फुल HD रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ब्रॉड शूटिंग होगा 3 FPS का, थोड़ा कम है इसके पिछले वाले से। यहाँ पे आपको वाईफाई सपोर्ट मिल जाता है, NFC मिलता है, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको। तो इस कैमरा का जो सैंपल्स है, सैंपल शॉट है, आपको मैं डिस्प्ले में दिखा दूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे फोटो यहाँ पे आप खींच सकते हैं। इन कैमरास का जो प्राइस है वेरी करता रहता है, तो मैं आपको प्राइस जो है वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्राइस में अगर आज अगर मैं कोई प्राइस बताता हूँ और कल आपका जो प्राइस है वेरी करता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता रहूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे जो ISO का रेंज का 100 से लेके 6400 का रहेगा जो ISO का रेंज। इस फोन का जो सबसे अच्छा बात है, ये जो फोकस करता है बहुत ही अच्छा फोकस करता है। यहाँ पे जो कॉलर बूस्टिंग का जो कॉलर बूस्ट जो करता है, बहुत ही अच्छा कॉलर यहाँ पे आता है। 6400 हाईएस्ट ISO होने के बावजूद ये जो कैमरा है बहुत ही अच्छा कॉलर प्रोड्यूस करते हैं फोटोज में। यहाँ पे आपको जो बैटरी का परफॉर्मेंस मिलता है, जी हाँ, थोड़ा कम मिलता है आपको। एक चार्ज में 500 फोटोज लेने का चांस मिलेगा, इससे ज़्यादा आप खींच नहीं सकते हैं। इसका जो वेट है 475 ग्राम होगा। जी हाँ, थोड़ा वेट भी है निकॉन का D3500 के मुताबिक। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं निकॉन का कूलपिक्स P900 के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया कैमरा है। मतलब इसके प्राइस के हिसाब से बहुत ही ओके कैमरा है। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि आप ये मत सोचिए कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा फोटो नहीं खींचता है। कैमरा में मेगापिक्सल से ज़्यादा सेंसर का जो महत्व रहता है, तो यहाँ पे आपको सीमोस का सेंसर मिल जाता है जो कि इस 16 मेगापिक्सल कैमरा से बहुत ही अच्छा फोटो खींच लेता है। यहाँ पे जो अच्छा बात है, यहाँ पे 18x का जूम मिलता है। यहाँ पे जो डिस्प्ले है 3 इंच का TFT डिस्प्ले है LCD वाला, 2 ईयर्स का वारंटी इस कैमरा में आपको मिल जाता है। सेंसर का जो साइज होता है 1 to 2.3 इंचेस का सेंसर का साइज यहाँ पे है। और यहाँ पे जो बैटरी है आपको 380 क्लिक्स का जो लाइफ देता है, और 1.2 मतलब 1 घंटा 20 मिनट तक यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग इससे कर सकते हैं। पर ये एवरेज है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। और ये जो कैमरा आपको 4 घंटा लेता है फुल चार्ज होने में, तो ये अपने प्राइस के हिसाब से ओके। अगर आप स्टार्ट में कुछ इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ये, तो इस कैमरा को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिस्ट में 5 कैमरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके कैमरा लवर्स दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा इस कैमरा के बारे में पता चल जाए और उनका कुछ फायदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।